केदारनाथ मंदिर के थोड्डा पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसी संत ने भारत में चार पावन धामों की स्थापना की थी, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। इस प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक को 32 वर्ष की युवावस्था में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य स्वयं ही धरती में समाहित हो गए थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि बेहद लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। किंवदंती के अनुसार शंकराचार्य 8वीं सदी में केदारनाथ आए थे और केदारनाथ मंदिर एवं अपने चार मठों में से एक का निर्माण कराया था। ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने अपने अनुयायियों के लिए गर्म पानी का कुंड बनाया था, ताकि वे इलाके के बेहद ठंडे मौसम से बचाव कर सकें। बताया जाता है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग और चार पीठों की स्थापना करने वाले आदिगुरु शंकराचार्य महज 8 वर्ष की उम्र में घर से सन्यासी बनकर भारत भ्रमण पर निकले। वह 8वीं सदी के भारतीय हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। विद्वानों की राय है कि 700 और 800 ई में दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ, जबकि 800 से 820 ई में शंकराचार्य ने हिमालय स्थित केदारनाथ में महासमाधि ली। माता पिता द्वारा पुत्र कामना के लिए भगवान शिव की प्रार्थना से पैदा हुए शंकराचार्य का शुरुआती वो बाल नाम भी शंकर था। बचपन में ही आध्यात्म, ज्ञान, शिक्षा, वेद पुराणों के झाता होने के चलते उन्हें शंकराचार्य कहा जाने लगा। बताया जाता है कि जब से केदारनाथ में मंदिर निर्माण हुआ, तभी से आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के भी दर्शन शुरू हुए हैं। हालांकि बाद में समाधि स्थल का सौंदर्यीकरण और यहां मूर्ति स्थापना हुई। वर्ष 2013 की आपदा में वर्षों पुरानी समाधि और आदि गुरु की मूर्ति खंडित होकर ध्वस्त हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य और उनकी समाधि स्थल के महत्व को देखते हुए पुनर्निर्माण कार्य में इसे ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया।